हेलो गाइस, सो वी आर चल टेकिंग में आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज़ #155। जी हां, 155 टेक न्यूज़ है और आज बहुत ज्यादा जबरदस्त खबरें, अच्छी खबरें तो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर हो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे ही नए नए टेक न्यूज वीडियोस आपके लिए अपलोड इसी चैनल पर होते हैं। अपलोड से याद आया, आज मैंने किया है रियलमी गेम मोबाइल गेम फिंगर स्लीव्स का अनबॉक्सिंग। तो अगर आपने नहीं देखा, अनपैकिंग कह सकते हो, अनबॉक्सिंग तो का बॉक्स, ये बॉक्स है, हाँ बॉक्स है। एनीवेज, तो अगर आपने ये नहीं देखा, फिलहाल मेरे पास स्लीव्स नहीं, उधर पड़ा है तो दूर पड़ा है। तो एनीवेज, तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, 129 रुपीज़ में आपको मिलता है, गेमिंग के लिए बीस्ट आपको बना देगा अगर आप इससे गेम खेलोगे। मैंने खेला, पबजी खेला, सीओडी खेला और जितनी भी गेम्स वो खेली, एसफाल्ट भी खेली, इतना स्मूथ लगता है पहन के। एक बार आप फिंगर अपने फ़ोन पे घुमाओगे, मैंने दो अंगूठे पे पहना, तो अंगूठे भी पहनते हैं सब, कौन पहनता है इधर उधर। एनीवेज, तो अगर आपने नहीं देखा वो भी देख लेना, यहाँ पे कार्ड देता हूँ या फिर यहाँ पे आ जाएगा कार्ड कहीं पे। तो एनीवेज, अब स्टार्ट करते हैं टेक न्यूज। तो पहले घर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सैमसंग से। सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 दोनों भी दोस्तों 17th ऑफ मार्च को लॉन्च होने वाला है, 90% कंफर्म्ड है। क्यों? क्योंकि सैमसंग का इवेंट है 17th ऑफ मार्च को। तो यस, देखते क्या करता है सैमसंग खास कुछ अपने A52 एंड A72 में। A32 लिटरली टट्टी है, मतलब क्या ही फोन बना यार, वो क्यों फोन है, ये फोन नहीं चाहिए हमें। G80 प्रोसेसर 21,000 में। मेरे को ना सैमसंग का सिर्फ एक ही फोन पसंद है और वो है सिर्फ जो मैंने खरीदा है M51। क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है, डिस्प्ले जबरदस्त है, कैमरा जबरदस्त है और साथ में बैटरी तो 20 ही है और सैमसंग का भरोसा भी है। यस, और लेकिन देखते हैं A52 में बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 750G होगा, 120Hz वाली सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले होगी। तो अब सब सुपर एमोलेड भी और 120Hz भी देने लगे मिड रेंज और 20,000 के ऊपर में और नीचे में सब जगह। तो यस, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये फ़ोन आने से। 17 मार्च दूर नहीं है, अगले कितना, छः दिनों में सब पता चल जाएगा। चलिए और साथ करते अगले खबर को। यहाँ पर दोस्तों ROG Phone 5 कल लॉन्च हो गया। कल मैंने इवेंट भी किया था, मैं दोस्त के घर पे था इसके लिए थोड़ा आवाज़ आया होगा तो उसको इग्नोर कर देना। बाकी काफ़ी अच्छा फोन है, बट मेरे हिसाब से वो जो अल्टीमेट वेरिएंट है ना, उसके नो नीड यार, 80,000 में कौन लेगा ROG अल्टीमेट। आप लोगे ROG 5 अल्टीमेट। 18GB रैम है, मान लिया चलो 18GB का क्या करूं, लेकिन मैं 80,000 थोड़ी ना दूंगा उतने के लिए। मेरे हिसाब से ROG 5 जो नॉर्मल है, ROG Phone 5 वो अच्छा है, अपने प्राइस में 50,000 का मिलता है। 8128 जबरदस्त है और दूसरा 8256 वो भी 12256 वो आपको कुछ 58,000 का मिलता है। उसके बाद ROG 5 Pro है जो 70,000 का है, ROG 5 Ultimate 80,000 का है। ROG Phone 5 अगर आपको चाहिए तो Phone 5 लो और 50,000 वाला लो। यस, मेरे हिसाब से वो अच्छा है। और जो ROG Phone 5 है उसमें आपको 30W चार्जर मिलता है। उन्होंने बोला था 60W का हाइपर चार्ज, बट वो नहीं दिया उन्होंने, क्यों मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से होना चाहिए था यार। इतना महंगा 50,000 का फोन, 30W चार्जर दोगे 6,000 mAh की बैटरी में, तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको खरीदना है तो ROG Phone 5 Pro की तरफ आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। बाकी अच्छा फ़ोन है, बुरा नहीं है, गेमर्स के लिए तो बीस्ट ही है। बट जो गेमर्स है ना, ओरिजिनली मैं बोलता हूँ, वो iOS यूज़ करते, मतलब आईफोन से यूज़ करते, मुझे पता है वो iPhone 12 सीरीज ज़बरदस्त है, वो तो गेमिंग के मामले में किलर है। तो मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 88 भी अच्छा, 888 भी अच्छा है, बट आईफोन के ऑप्टिमाइजेशन, एंड्रॉयड के ऑप्टिमाइजेशन ये आप देख लो। बाकी अगर आपको खरीदना है खरीद सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। 15 अप्रैल एक महीने बाद है डेट भाई, लॉन्च कल किया, 15 को क्यों रखा है आपने, 15 अप्रैल मार्च नहीं, तो 15 अप्रैल को रेडी रहना, सेल है, खरीद सकते हो तो खरीद लो, या फिर आईफोन भी अच्छे है वो भी खरीद सकते हो। मेरे हिसाब से तो अगर मेरी मानो तो आईफोन के साथ जाओ, क्यों, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS का तो आपको पता ही है, बाकी आप देख लो। चलिए उस वक्त का अगला खबर करूँ यहाँ पर दोस्तों मोटरोला की तरफ से। दोस्तों ऐसा लग रहा है मोटरोला जी अपना G100 फोन जो है वो बहुत ही जल्दी लाने वाला है। यस, वो जो कि होगा स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर। यस, तो इंटरेस्टिंग फोन है, मलेशिया की सर्टिफिकेशन पे ये फोन लिस्ट हुआ था
और इंडिया का तो अभी कुछ कहना वहना नहीं है। मोटरोला मलेशिया ने खुद ने ट्वीट किया था, टीजर वीजर डाला था, तो यप इंडिया का तो अभी पता नहीं, लेकिन इंडिया में भी बहुत जल्दी सब आ जाएगा। बस तो अब वेट करो और वेट करते रहो। चलिए उस आपके अगला खबर पर दोस्तों, रियलमी की तरफ से यस रियलमी 8 सीरीज में कंफर्म है कि 5G होगा। आप बोलोगे आप भाई क्यों, कैसे का पता कंफर्म है? रियलमी के जो CMO है, इंडिया के CMO है फ्रांसिस वैंग, वो गुस्सा हो गए। कोई मतलब बहुत सारे लोग ट्वीट पे लिख रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे कि भाई आपके फोन में तो 5G है ही नहीं, कि रियलमी 8 सीरीज बकवास होगी पक्का, क्योंकि उसमें 5G है ही नहीं, नोट 10 प्रो मैक्स की तरह कॉपी है सब वगैरह वगैरह। तो वो गुस्सा हो गए, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई तुम्हें कैसे पता कि हमारे फोन रियलमी 8 सीरीज में 5G नहीं होगा। अब अगर समझदार हो तो समझ गए आप कि यार इन्होंने इतना कहा कि 5G, आपको कैसे पता कि 5G नहीं होगा? होगा भाई, क्यों नहीं होगा? उन्होंने होगा नहीं लिखा, लेकिन समझ जाओ यार, समझ जाओ। तो एनीवेज 5G होगा रियलमी 8 सीरीज, और अब तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि एक्साइटमेंट कंट्रोल करता हूँ और क्या। वैसे आप एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में ना जरूर से बताना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डेट बताया जा रहा है 8 3 सा उन्होंने बताया, तो 24 है, तो देखते हैं 24 को आता है नहीं आता है, क्या होता है ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। चलिए और साथ का अगला खबर की ओर मैं यहाँ पर दोस्तों, इंडिया में दोस्तों एक लाइक डेट जो है वो रिवील कह सकते हो गई है 5G की इंडिया में आने के लिए, और बताया जा रहा है कि वो 2022 के स्टार्टिंग में मतलब उसका सब चालू होगा, डालना वगैरह बोलते ना कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसके बाद मिड 2022 के मिड में आपको जाके मिलेगा स्टेबल 5G यूज करने के लिए। तो 2022 के मिड में मिलेगा, मतलब समझ लो 2022 के मार्च अप्रैल तक मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है अभी 5G को आने में इंडिया में, बट लेट्स सी, अगर जल्दी आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो 4G में ही काम चला लेना। चलिए साथ के अगला खबर के यहाँ पर दोस्तों, आइकू, जी हाँ आइकू फाइनली जाग गया, अपने कबर में सूट गया और बोला कि भाई क्यू मतलब वो जो लेटर है ना क्यू, वो क्यू तो उन्होंने क्यू लिखा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा क्यूज इक्वल्स टू क्वारम। अब क्या क्वारम नाम का कोई फोन होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी। उनके जो एक कोई हेड है उन्होंने डाला है क्यू क्वारम करके, फोटो भी डाला है, तो देखता है कि कुछ करेगा नहीं करेगा, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। चलिए और साथ करें अगला खबर यहाँ पर दोस्तों, रियलमी ने दोस्तों एक जबरदस्त चीज कर दी है दोस्तों, रियलमी GT वो जो स्मार्टफोन था ना चाइना में लॉन्च हुआ था, उसने दोस्तों जब वो फोन आया ना सेल पे, उसके 10 सेकंड के अंदर उन्होंने 100 मिलियन का बिजनेस किया। यस 100 मिलियन का बिजनेस, इतने फोन उन्होंने बेचे कि क्या ही बोलूं यार, प्राइस इतनी जबरदस्त है। स्नैपड्रैगन 888 आपको 35,000 में मिल जाएगा, तो कौन नहीं लेगा, आप लोगे ना, क्यों नहीं लोगे। वैसे एक्साइटेड हो, रियलमी GT भी बहुत जल्दी आ रहा है इंडिया में, एक्साइटेड हो कमेंट में ना जरूर से बताना। चलिए उस वक्त अगला खबर का, कितनी ज्यादा खबर है, PUBG न्यू स्टेट, ये बताया जा रहा है कि जून में आपको देखने को मिलेगी। यस देखो सच्ची बोलूं, मैं PUBG की न्यूज दे के पक गया हूँ अभी, PUBG न्यू स्टेट के लिए एक्साइटेड भी हूँ और PUBG मोबाइल इंडिया के लिए पक गया हूँ मैं भाई। आ जाना, क्या है ये मस्ती कर रहे हैं, क्या है ये, बट लेट्स सी जून में आने दो। हमने तो लेजेंड से हम प्री रजिस्टर करके बैठे, अगर आएगा तो खेल के आपको पक्का दिखाई। चलिए आसान अगला खबर के यहाँ पर दोस्तों, Redmi TV XL ऐसा कुछ नाम होने वाला है इस टीवी का, जो कि हमें 17 मार्च को इंडिया में देखने को मिलेंगे। 86 इंच के टीवी होंगे, 86 इंच कितना बड़ा होगा, मतलब भाई क्या ही होगा, लेकिन देखते क्या प्राइस होती है। वैसे ये चाइना में गया था ये टीवी, 2 लाख के करीब इसकी प्राइस थी, इंडिया में तो चाइना से भी ज़्यादा प्राइस होती है तो आपको पता ही होगा, बट देखते क्या होता है आगे, ये तो हमें आगे चलिए पता चलेगा। तो इतना दोस्तों आज की देखने से आपका खत्म होने, उम्मीद करता हूं आज की देखने से पसंद आ गई, लाइक करो शेयर करो, और अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाके देखो, रियलमी का गेमिंग स्लीव्स यहाँ पे कार्ड आएगा, जरूर से जाके देख लेना। तो जल्दी लेना वगैरह, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो चलो बाय।